और ये ऑलरेडी जो है वो बाइक के अंदर दिया गया है, तो जिससे ये होगा नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच चीज़ें जो मुझे डोमिनार के बारे में जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि डोमिनार जो है वो मैंने न्यू परचेज़ किया है और अभी ही जस्ट परचेज़ किया है, पर परचेज़ करने के बाद जो है वो समवेयर अराउंड कुछ मैं इसको 200 किलोमीटर कुछ 250 किलोमीटर के आसपास जो है वो चला चुका हूँ, 250 किलोमीटर होने वाले हैं। और इसके बाद जो है वो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो नोटिस की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ जो है वो डोमिनार 2019 के अंदर मुझे नहीं पसंद आया वो जो है वो इसका साइड स्टैंड। ये जो साइड स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसके वजह से आपका बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा झुक जाता है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है वो बाइक पूरा स्टेडी है, स्टैंड है, और नीचे अगर आप देखोगे तो दिख रहा है पूरा मेरा पैर जाने के बावजूद भी जो है वो बहुत ज़्यादा गैप बचा है। अगर मैं जो है उसको नीचे रखूंगा तो ये पूरा इस तरीके से सो जाता है। अब ये जो है वो नॉर्मल जगह पर आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जो है जैसे मुंबई जैसे जगह पर जहाँ पर मैं ऑफिस में लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं पार्क करता हूँ, तो वहाँ पर पार्किंग के भी बहुत इशूज़ है। लेकिन ये अकेला बाइक जो है वो दो बाइक के जो है वो पार्किंग का स्पेस खा लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ साइड स्टैंड की वजह से। अगर साइड स्टैंड जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता तो जो है वो सही रहता। इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब पार्किंग का स्पेस नहीं होता है तो लोग बाइक को थोड़ा आगे पीछे करके अपने बाइक को अंदर बिठाने का कोशिश करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में मे भी हो सकता है कि आपके पेंट को नुकसान हो जाए, मे भी हो सकता है कि आपके ये फ्रंट जो है उसको प्रॉब्लम हो जाए, और मे भी हो सकता है कि आपका मिरर टूट जाए। दूसरा चीज़ जो है मुझे डोमिनार के बारे में नहीं पसंद आया वो है इसके मिरर्स। वो भी मैं आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो बाइक पर बैठे हो, बाइक चला रहे हो और आपको ये मिरर में नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करोगे। लेकिन इसको जो है वो सिंगल हैंड से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ ये सोच लो कि जब मेरा बाइक रुका है तब मुझे इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो ये सोचो कि जब ही बाइक चलता रहेगा और मैं इतना प्रेशर लगाऊंगा तो मेरा बाइक में भी हो सकता है एक साइड चला जाए, गिर जाए, या फिर मेरा अटेंशन जो है वो पूरा का पूरा ग्रैब कर ले तो मैं आगे ठोक दूँ। तीसरा चीज़ जो है मुझे इस बाइक के अंदर नहीं पसंद आया वो है इसका ये जो सेकेंडरी कंसोल है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है गियर पोजिशन सिस्टम, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। अब जब आप बाइक चला रहे हो तो बहुत तकलीफ़ होता है कि आपको यहाँ पे देखने के लिए। अब मुझे पता है कि ECU का अपडेट आ चुका है और ECU के अपडेट के हिसाब से जो है वो ये है कि आपको ये यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन ये ECU अपडेट वाला चीज़ जो है वो कोई भी तकलीफ़ नहीं है। उसका रीज़न जो है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मैनुअल है, अगर आप देख सकते हो सही से, तो ये जो है वो मेरा मैनुअल है और मैनुअल के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि गियर पोजीशन सिस्टम आपके बाइक के अंदर पहले से ही दिया गया है। जैसे यहाँ पे मुझे मिल गया, अभी थोड़ा टाइम लगा ढूंढने में, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो गियर पोजीशन सिस्टम दिया है और ये प्राइमरी कंसोल पे है। और इसको करने के लिए तरीका भी बताया गया है कि आपको ओडो मोड पे जाना है और उसमें आपको एक डायनेमिक फ्यूल मिलेगा जो मुझे मिलता है, दूसरा जो है वो गियर पोजीशन सिस्टम है। आई थिंक सो ये इनका कुछ ECU का प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से जो है वो ये गियर पोजीशन सिस्टम यहाँ पे नहीं दिखता, तो मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ रिपेयर करने के बाद बताया है या समथिंग, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो ये पहले से ही अंदर इंक्लूड था, इसमें आपका ECU जो है वो अपडेट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पर मोड प्रेस करते हो तो यहाँ पर डायनेमिक फ्यूल दिखता है, यहाँ पर ट्रिप 1 होता है, ट्रिप 2 होता है, फिर जैसे ही आपने यहाँ पे ओडो डाला और ट्राई किया यहाँ पे, तो साइड स्टैंड, फिर ये, और आपको जो है वो यहाँ पे नोटिस दिखेगा लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे गियर पोजीशन सिस्टम नहीं दिखेगा, तो ये ECU का एक फॉल्ट है। अभी चौथी चीज़ का बात करते हैं, तो चौथा वाला चीज़ जो है वो ये है कि मुझे इसका जो है बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब लगा। उसका रीज़न जो है वो अगर आप ऊपर से देखोगे तो काफ़ी सही है, लेकिन नीचे जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उसका रीज़न भी मैं आपको बोलता हूँ कि जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ये चीज़ पता चला कि मेरे फ्रंट व्हील में आगे से जो है वो आवाज़ आ रहा था, और एक्चुअली जो है वो इसके वजह से आवाज़ आ रहा था। आप देख सकते हो इसका बिल्ड क्वालिटी जो है वो एकदम गंदा है, और अगर आप उसको थोड़ा सा भी पुश करो तो आपको जो है वो ये चीज़ समझ में आता है। इवन यहाँ का छोड़ के अगर आप रियर में देखोगे तो उसके वजह से भी जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, तो प्लास्टिक अगर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का यूज़ कर लेते यार। लास्ट चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसका इंजन। अब इसका इंजन जो है वो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और ट्रस्ट मी कि ये चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली इन बिटवीन लेग्स बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट होता है। जब
आप ट्रैफिक में बाइक चलाते हो तो ये इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। हॉटनेस जो है वो आपको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से जो है वो फील होता है। अब ये मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, मैंने जो है इसके रिगार्डिंग कॉल किया था डीलर को तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि ये जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर्विसिंग के बाद। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, पर अगर जो भी है मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो दोस्तों ये जो है इंजन हॉट वाला चीज़ वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला कि गियर पोजीशन सिस्टम, तो गियर पोजीशन सिस्टम के लिए जो है मैं फ़िलहाल जाने वाला हूँ बजाज के शोरूम में, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पे जाके मैं ट्राई करूँगा इसका ECU जो है अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब आप बाइक चला रहे हो तो नीचे ध्यान दो और फिर सामने देखने जाओ तो फिर पता चल जाता आपने बाइक या तो ठोक दिया है या तो फिर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है। कभी कभी जो है ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो है मैं अभी जा रहा हूँ बजाज के शोरूम, बजाज के सर्विस सेंटर में, और वहाँ पर जाके मैं ट्राई करता हूँ उनसे बात करके ये जो ECU है वो अपडेट करने के लिए। और पहले हम लोग जाएंगे बजाज के सर्विस सेंटर में और वहाँ पे जो है वो अपना ECU अपडेट करने का कोशिश करेंगे। पता नहीं जो है वो कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली जो है वो अभी कुछ 12 बज रहे हैं और वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो ये रहा बजाज का शोरूम, अभी एग्जैक्टली जो है वो अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। कल आना सब कल। इसका सिर्फ ECU अपडेट करना है, अभी नया लिया है। अभी नया लिया? हाँ। क्या बताया, कहाँ पर खड़ी कर दो आप? मुझे नंबर दिया था ये, क्या नाम है इनका, वो है क्या अभी यहाँ पे? हाँ, एक मिनट, क्या नाम है इनका? महेश परब। नहीं, वो निकल गए। हाँ, निकल गए अभी, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैनेजर है यहाँ पे? नहीं है, नहीं है, पता नहीं, खाने तो अभी जाते नहीं है, 1 बजे जाते हैं। हाँ, काम से निकल गए। तो इसका सिर्फ ECU अपडेट करना है सर, इनका ECU अपडेट करना है सर। किधर चले जाओ, अंदर आ गया। आगे किधर? लेफ्ट? नहीं, सीधे गाड़ी लेके जाओ अंदर। ओके, इसका ECU अपडेट करना है, ECU अपडेट करना है। हाँ, गियर। हाँ, मुझे बोला गया कि यहाँ पे इसका भी 2 अपडेट्स लगेंगे। पहला जो है वो अपडेट हो रहा है ECU का, और फिर इसके बाद जो है वो एक और अपडेट लगेगा, जिसके बाद जो है वो गियर पोजीशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे आएगा। सो फाइनली दोस्तों, मैं बजाज के सर्विस सेंटर से अभी जस्ट आया हूँ और ECU अपडेट हो चुका है। ECU अपडेट होने के लिए मुझे कुछ 10 मिनट लगे, और साथ में ही जो है वो कुछ 2 ट्रायल थे, वो मुझे बोला गया था 2 अपडेट होने के बाद दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली जो है वो यहाँ पे टाइम और गियर पोजीशन सिस्टम आ चुका है, तो अभी जो है वो यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रिसेट कर दी गई है। एक और बात जो है वो मुझे बताया गया
ECU अपडेट के बारे में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर जो है वो आपने अपना ये मोड ओडो मोड से निकाला और ट्रिप मोड पे डाला या ऐसा कुछ भी किया, तो यहाँ पे जो आपको भी दिख रहा है गियर पोजीशन सिस्टम और टाइम, वो चीज़ जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। तो आपको ऑलवेज जो है वो आई थिंक सो कुछ ओडो मोड पे रखे, उसमें जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है जिसमें डायनामिक फ्यूल कंजप्शन नहीं दिखेगा, उसके बाद जो है वो सेकेंड गियर पोजिशन सिस्टम आएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा सा ये चीज़ है जो आपको बार बार फॉलो भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा जो कि आई थिंक सो मुझे पता नहीं ये क्या है, पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा पेंट ख़राब हुआ है और उसका रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये समथिंग कुछ तो पता नहीं क्या है कनेक्शन, जिसके वजह से जो आप इसको टच करते हो यहाँ पे तो ये जो है वो स्क्रैच लेके आता है, तो उसके वजह से जो है वो तकलीफ़ हो रहा है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो और अगर आपको ये मेरी चैनल पसंद आई है तो नीचे जो है वो रेड कलर का बड़ा बटन होगा वो दबा देना, यानी कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो बी सेफ एंड राइड सेफ, बाय बाय।